ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं। उस डॉगी को, बाकी जो हमारे पैरालाइज्ड डॉगीज हैं उनको देख के एक शक्ति मिली कि नहीं ऐसे चलना है, क्योंकि अभी तक तो वो जानता नहीं था कि वो दो पैरों में खड़े कैसे हो। और अभी वो मेरे घर में सबसे बूढ़ा है और उसको हम दादाजी बोलते हैं मेरे घर में, और वो घर का सीनियर मेंबर है, मतलब मेरी शायद दादी दादाजी ऐसा कंसिडर होता है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय अग्रवाल। हमारी वीडियो सीरीज स्टोरिस्तान किससे कामयाबी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे 26 साल की कस्तूरी बिलाल से। कस्तूरी पिछले 4 सालों से एनिमल वेलफेयर की दिशा में काम कर रही हैं। अब तक तकरीबन 2000 स्ट्रीट डॉग्स की मदद कर चुकी हैं और तकरीबन 100 स्ट्रीट डॉग्स को समृद्ध परिवारों को गोद दिला चुकी हैं। आमतौर पर हमारे देश में, हिंदुस्तान में माना जाता है कि जो डॉग हम पालेंगे वो विदेशी ही होना चाहिए, लेकिन कस्तूरी इसी सोच को बदलने की दिशा में काम कर रही हैं। कस्तूरी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहते हैं कि आपने एनिमल वेलफेयर की दिशा में काम करने की शुरुआत कब की और आपकी ओवरऑल सक्सेस स्टोरी क्या है? जब मैं फाइनल ईयर में थी अपने कॉलेज के, तो मैं कहीं से गुजर रही थी और मैंने ये देखा कि नगर निगम में उस समय आवारा कुत्तों को पकड़ के सड़क शहर के बाहर में फेंकने का काम चलता था, बट मैं इस बारे में जानकार नहीं थी। तो देखा कि कुछ कुत्ते थे सड़क के, उनको बहुत ही बेरहमी से पकड़ के वैन में डाल के बाहर लेके जाया जा रहा था। जब पूछताछ की हमने क्या हो रहा है, तो बताया कि हम जंगल ले जाके छोड़ देते हैं, जो कि बहुत क्रूर था। वो बड़े बड़े चिमटे का इस्तेमाल करते थे कुत्तों का मुंह पकड़ने के लिए, पेट पकड़ने के लिए, ताकि कंट्रोल करके उसे गाड़ी में भर दिया जाए। उससे उनकी आंतें बाहर आ जाती थी, उनके पेट बाहर निकल जाते थे, जो भी अंदर के जो उनके अंग है, ऑर्गन्स है, वो बाहर निकल जाते थे। ये देख के बहुत खराब लगा और दो जन से, एक जन से जितना हो पाया उतने हमने कुत्तों को उस समय बचा लिया। फिर पता नहीं वो एक आग लगी मन में कि जानकारी लेना है कि बाकी शहरों में क्या ऐसा काम चल रहा है। हमारे शहर में कोई तो संस्था होगी जो इन बेसहारा घायल प्राणियों के लिए काम करती होगी। कईयों जगह फ़ोन किए, किसी ने बताया हम सिर्फ पक्षियों का करते हैं, किसी ने बताया हम सिर्फ गायों का करते हैं, कोई नहीं मिला। लगभग साल भर ये तलाश जारी रही, कई डॉक्टर्स से मिले कि कोई तो संस्था होगी, नहीं। फिर इंटरनेट का सहारा लिया, ढूंढने लगे कि कोई संस्था होगी। धीरे धीरे संपर्क मेनका गांधी जी से हुआ और तब पता चला कि कुछ पशु संरक्षण के नियम कायदे कानून होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्ट्स, कुछ रूल्स होते हैं उनकी फ्रीडम को लेके। सिमिलरली जानवरों के लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान सरकार ने बना के रखे हुए हैं, उनको पढ़ा और फिर रायपुर में हमने काम शुरू कर दिया। जब नियम कानून पढ़े तब ये समझ में आया कि किसी भी एरिया से किसी भी जानवरों को हटाना गैर कानूनी है, चाहे वो सरकार का कोई विभाग कर रहा हो या कोई एनजीओ कर रहा हो या प्राइवेट लोग कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि कुत्तों के अगर आतंक कहीं पर फैल रहा है फॉर एग्जांपल, या ज़्यादा ही आबादी होगी तो क्या किया जाए, तो वो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब यूनाइटेड नेशंस ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने हर एक विकसित या विकासशील देशों के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इससे होता यह है कि ये जो प्रोग्राम है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता है। हर नगर निगम, नगर पालिका को अपने शहर के जो आवारा जानवर है, कुत्ते हैं, उनकी नसबंदी करानी होती है। नसबंदी के प्रावधान दिए हुए हैं, इसकी फंडिंग्स भी गवर्नमेंट के थ्रू होती है और कई एजेंसीज रहती है जो सिर्फ सड़क के कुत्तों के नसबंदी के ऊपर काम करती है। तो हमको ये सब पता चला, हम प्लान प्रपोज किए गवर्नमेंट के सामने, पर हमको ये सब करने में एक साल का समय लग गया था। और धीरे से फिर नसबंदी वाला जो अभियान है वो शुरू हो गया और टिल डेट, मतलब आज तक 8000 कुत्तों की नसबंदी रायपुर में हो चुकी है। और ये बहुत बड़ी बात है किस जानवर की नसबंदी हुई है और किस जानवर की नहीं हुई है। कभी भी आप जब सड़क में जाते हैं तो देखिएगा कि कुत्ते के कान में वी मार्क चीरा एक बना रहता है, मतलब जब ऑपरेशन करते हैं तो मार्किंग करने के लिए वी शेप में कान को कट कर दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि इस कुत्ते की नसबंदी हो गई है और इस कुत्ते को एंटी रेबीज का टीका जो है वो लग गया है, मतलब अब इस कुत्ते को रेबीज होने के चांसेस नहीं है। कस्तूरी, अभी तक आपने जितने भी पशुओं की जान बचाई है उसमें से कोई बहुत आपके दिल के करीब हो या कोई बहुत रोचक किस्सा हो डॉग से जुड़ा हुआ? मुझे फोन आया कि भाटापारा में किसी ने एक डॉगी को डंडा मार दिया जिससे उसकी पीठ टूट गई है और वो गटर में जाके गिर गया है। तो मैंने कहा यार अब मैं
इवेंट पे जाऊं कि मैं क्या करूं। फिर मैंने बोला चलो 15-20 मिनट बिग बार देख लेंगे, क्योंकि हम जब ये काम करते हैं तो हमारे इमोशंस हमको पीछे रखने होते हैं और प्रोफेशनलिज्म एक जगह रखना होता है। वी आर प्रिपेयर्ड कि हम जा रहे हैं तो हमें हो सकता है बहुत खून दिखे या वो प्राणी एक ऐसी हालत में दिखे कि हम नॉर्मल देख जो हम दृश्य नहीं देखते हैं ऐसा कुछ हमें दिखे। पर अब काम करके विल पावर इतना बढ़ गया है कि किसी भी तरीके की सिचुएशन के लिए रेडी रहते हैं। उसको लेके गए, एक्सरे करवाए, डॉगी को पता चला पीठ उसकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। फिर तक शाम तक इवेंट किया, घर लेके आए उसको, 6-8 महीने तक उसका इलाज चला। और क्योंकि जमीन में पड़े रहने के कारण, गद्दे में पड़े रहने के कारण उसको जगह जगह पे बेड सोर हो गए थे। डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार ऐसे में और तकलीफ देने जैसा हो गया है, इसको मर्सी किलिंग, यूथेनेशिया एक होता है जो कि अगर कोई एक प्राणी जो इलाज नहीं हो पा रहा है जिसका, या वो दर्द ज़्यादा है उसके जीवन में, तो कोर्ट से मतलब पूरा लीगल प्रोसेस के साथ में उसको मर्सी किलिंग की जाती है, यूथेनेशिया किया जाता है। पर मन नहीं मानता था क्योंकि 8 महीने ऑलरेडी वो मेरे घर पे रह के मेरे घर का एक सदस्य बन चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ और मेहनत करके देखते हैं। फिजियोथेरेपी हमने स्टार्ट की क्योंकि वो पीछे से तो पूरा अपंग हो चुका था। फिर उस डॉग को मैंने अपने घर के गैरेज में रखा था, पूरी व्यवस्था करके उसको मैं अपने बेडरूम में ले आई कि मैं अब और इस पे बेहतर ध्यान दे पाऊंगी। और उसी समय मेरे पास 2-3 पैरालाइज्ड और मेरे घर पे थे, तो उस डॉगी को, बाकी जो हमारे पैरालाइज्ड डॉगीज हैं उनको देख के एक शक्ति मिली कि नहीं ऐसे चलना है, क्योंकि अभी तक तो वो जानता नहीं था कि वो 2 पैरों में खड़े कैसे हो। और अभी वो मेरे घर में सबसे बूढ़ा है और उसको हम दादाजी बोलते हैं मेरे घर में, और वो घर का सीनियर मेंबर है, मतलब मेरी शायद दादी दादाजी ऐसा कंसिडर होता है वो। एक और किस्सा है जो कि बहुत मेरे दिल को छूता है। कुछ साल पहले आपको याद होगा भैया कि मोती नगर एक एरिया है, वहाँ पे कुछ डॉग्स के झुंड ने किसी बच्चों पर अटैक किया था और काफी मतलब वो राइज भी हुआ था वो मैटर, क्योंकि बच्चों को चोट आ गई थी उस समय। और वहां पर एक डॉग था, मतलब उस एरिया के जितने भी कुत्ते थे, जितने भी डॉग्स थे, उन सबको लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया और उनको मारा वगैरह। कुछ कुत्तों को जला दिया, गड्ढों में डाल दिया। एक डॉगी ऐसी थी जिसने हाल ही में बच्चे दिए हुए थे। कुछ लोगों ने उस बच्चे, मतलब वो डॉगी के बच्चों को उसके सामने जिंदा जला डाला, उसकी एक आंख फोड़ दी, एक कंधा तोड़ दिया, एक पैर तोड़ दिया। और ये रात के 2 बजे की बात है, तो वो बेचारी, और सबको लगा कि ये मर गई है, पर थोड़ी बहुत जान उसमें बाकी थी। हमको पता चला, हम रात को 2 बजे वहां पर गए। आमतौर में ये हमारे काम करने का समय नहीं होता है, लेकिन जब किसी ने उसको डिस्क्राइब किया कि ऐसी ऐसी हालत में, तो हम रोक नहीं पाए। और उस रात को कोई डॉक्टर भी नहीं, लेकिन डॉक्टर पदम जैन एक ऐसे थे जिनको हमने रात को फोन करके उठाया था कि सर प्लीज इसे देख लीजिए। वहां पर उसका आंख पूरी चली गई थी उसकी, एक आंख, और हाथ वगैरह पैर वैर में सब में प्लास्टर फ्रैक्चर था। डॉग को तो ले आए अपने पास में, पर वो ना खाना खाए ना उस पर सुधार आए, 2 से 3 बार प्लास्टर हो गया। उसी समय मेरे पास में जांजगीर चापा से कुछ पपीज आए थे, मतलब उन बच्चों की मदर की डेथ हो गई थी, तो मैंने कहा मेरे पास ले आओ, मेरे पास व्यवस्था है। जो मेरी डॉग थी जिसको चोट आई थी, जिसकी आंखों में लग गया था, उसे लगा कि ये मेरे ही बच्चे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको क्योंकि लगा कि ये मेरे बच्चे हैं, उसने उन 3 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। और उस दिन उसने खाना खाया, अदरवाइज हम उसको कटोरी चम्मच से दूध पिलाना या ड्रिप लगाना, फोर्स फीडिंग हमको करना पड़ता था। और उस दिन के बाद से उसकी तबीयत में सुधार आया, उसका ब्लड का हीमोग्लोबिन भी बढ़ा। कसूरी, क्या आपको कभी किसी डॉग ने काटा है? हाँ, काटा है ना कई बार काटा है, मतलब क्योंकि हैंडलिंग उस समय आती नहीं थी, तो कभी खरोंच दिया, कभी दांत लग गया, होता था। फिर हम लोग थोड़ा वैक्सीन वगैरह लगा लेते थे, डॉक्टर से सलाह ले लेते थे। फिर अब हम वैक्सीन भी लगाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि 3-4 डोज लगाने पड़ते हैं। और डॉग ने जो काटा है वो तो कम दुखता है, पर इंजेक्शन का दर्द बहुत लंबे समय तक रहता है। कसूरी, अब तक आप कितने स्ट्रीट डॉग्स, पपीज या दूसरे एनिमल्स की मदद कर चुकी हैं? अभी तक हम लोगों ने 2000 के ऊपर सड़क के घायल, बीमार, अंधे, पैरालाइज्ड, खुजली ग्रस्त, कैंसर से पीड़ित, रेबीज से पीड़ित,
डॉग्स का ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, रख रखाव किया हुआ है। बाद धीरे धीरे हमने पपी अडॉप्शन प्रोग्राम करना स्टार्ट करा। शुरू में तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम था, अगर हमने 50 पपी लेके गए तो हो सकता है कि 8-10 ही पपीज अडॉप्ट हुए। फिर हमको अपनी भी लूप होल समझ में आए, अपनी भी खामियां समझ में आएंगी, हमें और कैसे बेहतर काम करना है। अब क्योंकि हमारा अभी 4-5 पपी अडॉप्शन प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं, और जैसा एक इंसान के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए जो फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर्स और जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो फॉलो होती है, हम वही अपने देसी पपीज को अडॉप्ट करवाने के लिए ऑलमोस्ट उतने ही प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हैं। कसूरी, आपसे जानना चाहते हैं, जब आपने इस काम की शुरुआत की, पढ़ाई के साथ साथ एनिमल वेलफेयर के काम की आपने शुरुआत की, तो फैमिली मेंबर्स या दूसरे लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, नेगेटिव था या पॉजिटिव था? खैर, काम इतना था कि कान बंद हो गए थे, सुनना बंद हो गया था, और घर पे थोड़ी बहुत डांट शुरू में पड़ती थी, क्योंकि कोई भी ये एक्सपेक्ट करता है, किसी की मानसिकता ऐसी बनी होती कि एक घर में एक ही डॉगी होना चाहिए, उसके ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और शुरुआत में हमारे पास में हमारे घर के अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं थी कि हम घायल बीमारों का ला के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने 2000 डॉग्स को रेस्क्यू किया है, तो इन 2000 को हमने घर पर ट्रीटमेंट दिया है। हमको थोड़ी बहुत जगह या शेल्टर जो है ये तो अभी अभी थोड़ी सुविधाएं आई हैं हमारे पास, तो धीरे धीरे घर वाले भी समझने लग गए कि ये बच्चे सुनने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने सहयोग किया धीरे धीरे। पत्ने भी 2000 रेस्क्यू हुए हैं, वो मेरे घर पे ही आए हैं सबसे पहले, उसके बाद कईयों की जाने बच भी नहीं पाती है, जितने बचाए नहीं है मैंने उससे ज्यादा मैंने बरी किए, उनको अपने हाथों से दफन भी किए हैं। कस्तूरी, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पालने में या उनको किसी स्थान पर रखने में जो खर्च आता है वो कौन वहन करता है, पूरा आप ही या आपकी टीम वहन करती है, या आपको दूसरे एनजीओस की तरफ से या दूसरी संस्थाओं की तरफ से कुछ मदद भी मिलती है? वैसे 35,000-40,000 का मंथली खर्चा है, और ये ग्रोइंग है, किसी महीने 60,000-70,000 हो जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 ऑपरेशंस आ गए तो हमको खुद ही बेयर करना पड़ता है। शुरुआत का जो 2 साल था हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो बड़ा ही डिफिकल्ट था, क्योंकि जो हम जॉब करके जितना भी अर्निंग करते थे वो पूरा का पूरा यहाँ पर लगा देते थे। और मेरे ख्याल से कोई भी एक नया स्टार्टअप, कोई भी एक नया एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल या कोई भी एक नया काम ऐसा ही होता है कि आपको आपके जेब से पैसा निकाल के डालना पड़ता है। इसको मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप का तो नाम बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का मैनेजमेंट उससे कम नहीं होता भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक स्कूल चलाता है, कोई एक कॉलेज चलाता है, कोई एक हॉस्पिटल चलाता है, हम संस्था वाले स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ एक साथ चलाते हैं, तो इस हिसाब से मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और फंड्स तो अब थोड़ी सी गाड़ी हमारी संभली है, क्योंकि जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते हैं केस वाइज वो कुछ आर्थिक मदद भी करते हैं। कैश डोनेशन तो यूज़ होता ही है, काइंड डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान इस बिल्कुल अब हमको कोई घर चलाना होता है, हमारे डॉग्स एक जगह पर रखे हुए हैं, उनको बिजली, पानी, खाने के साफ बर्तन, सफाई के लिए डिटॉल, फिनाइल सब कुछ उनको लगता है, तो बिल्कुल घर चलाने जैसा है। सूरी, मेनका गांधी एनिमल वेलफेयर की दिशा में बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, उनकी टीम की तरफ से या उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट? इतनी बड़ी वो एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उनको आप जो वो कर रही हैं आप अगर वही कॉपी करो तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। और गाइडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से जिस दिन से मैं एनिमल वेलफेयर में आई, मैं ये समझ गई थी कि बिना खुद की जगह के कुछ काम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम 10-12 को अपने घर में रख लेंगे, 10-12 को दूसरे घर में रख लेंगे, पर बड़े स्तर पे हम एनिमल्स के लिए ज़्यादा काम नहीं कर सकते। उस दिन से हम सरकार के साथ मिलके या उनके पीछे पड़ के हमने एक जमीन की डिमांड की, जहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला एनिमल शेल्टर कम हॉस्पिटल हम बना सकें। और हमें 3-3.5 साल लग गए कि हमें सरकार से एक जमीन मुहैया हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला एनिमल शेल्टर बनाने के लिए है। और मेनका गांधी जी ने हमारी बहुत मदद की है, क्योंकि सरकारी काम इतने जल्दी नहीं होते हैं, तो उनके हमारे मतलब उनके अप्रोच से हम जाते थे जहाँ भी, तो हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता था। कस्तूरी, आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन है आपकी फैमिली में, और आगे आने वाले समय में आप एनिमल एक्टिविस्ट के तौर पर ही काम करना चाहती हैं या कुछ दूसरे सपने संजो रखे हैं आपने? देखिए, पैशन तो एनिमल वेलफेयर ही है, और
मैं रायपुर की ही रहने वाली हूँ, इंजीनियर हूँ। मैं जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुई थी, मेरा अहमदाबाद में प्लेसमेंट हो चुका था, पर इच्छा थी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाऊँ, अपने करियर ऑप्शंस को और एक्सप्लोर करूँ। पर वो कहते हैं ना कि सबकी एक कॉलिंग आती है और भगवान कुछ ना कुछ रास्ते बना के रखते हैं। तो मैं उसी साल रायपुर रुक गई थी कि नहीं, मैं थोड़ा यहाँ से प्रिपरेशन कर लूँ। फिर मैंने कुछ यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करना था तो मैं यहाँ पर रुक गई थी। और उसी समय जब मैंने पढ़ाई के लिए लीव लिया था, तब मैं रायपुर की एक ऐसी अव्यवस्था ही मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि कोई ऐसी एनजीओ तो थी नहीं रायपुर में जो काम कर रही थी। तो मौका मुझे मिला कि मैं अपने शहर के प्राणियों के लिए कुछ व्यवस्था बना पाऊँ। सूर्य, आखिरी में आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि स्टोरिस्तान किससे कामयाबी के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये एक बड़ा ही नया कंसेप्ट है और हम लोग को ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि हम आके अपने जो ये सब जो काम होता है बहुत साइलेंटली हम करते हैं। कोई हमें आके देखेगा नहीं कि हम रात को 2 बजे जाग के क्या काम कर रहे हैं। पर आज क्योंकि ये बताने का मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि इंसानों की जब बात आती है तो आप बोल के किसी का धन्यवाद कर सकते हो या आप फेसबुक में डाल सकते हो, है ना। हमारे एनिमल्स का तो फेसबुक अकाउंट नहीं होता, हमारे पेज में लाइक्स नहीं आते हैं और वो हमें बता नहीं सकते। तो जब जानवरों की बात जहाँ पे सुनी जाती है वो प्लेटफॉर्म हमेशा अच्छा होता है। कस्तूरी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जर्नी हमसे शेयर की। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कस्तूरी बलाल को। इंसानों की इस दुनिया में जहाँ जानवरों को धुतकारा जाता है, पत्थर मारा जाता है, उस दुनिया में कस्तूरी बेजुबानों की मदद कर रही हैं, उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह पाल रही हैं, पोस रही हैं। यही नहीं, उन्होंने एक डॉग को दादाजी का नाम भी दिया है। हम उम्मीद करते हैं कस्तूरी की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर उनकी कहानी आपके दिल को छूती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। Thank you.